जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अमावस्या का एक बहुत ही बेहतरीन, आसान, सचोट और अद्भुत उपाय पेश करने के लिए जा रहा हूँ। बताने जा रहा हूँ कि इस उपाय को जो कोई भी व्यक्ति करेगा, उस व्यक्ति की पैसों से लगती जितनी भी ज़रूरत होगी, जितनी उसकी डिमांड होगी, जितनी उसकी आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता इस उपाय के जरिए उसकी पूरी होगी। जिन जिन लोगों ने इस टोटके को किया है, उन लोगों की जो कोई भी जब ज़रूरत थी पैसों की, वो पैसों की ज़रूरत उनकी पूरी हुई है। चाहे उनको कहीं से भी किसी भी तरह से, चाहे मदद के रूप में मिले हों, चाहे और किसी तरह से मिले हों, लेकिन उनको जिस अवधि में पैसे की आवश्यकता थी, उस अवधि में और जितनी मात्रा में धन की आवश्यकता थी, उतनी उनको धन की आपूर्ति हुई है। उनकी जो भी ज़रूरतें थी वो फलीभूत हुई हैं, वो उनको पूरी हुई हैं। बहुत ही आसान और सरल टोटका है, प्योर टोटका है, लेकिन टोटके का जो नियम है, गुप्त रीति से करना है, किसी को भी मालूम ना पड़े, कोई टोके नहीं। यदि कोई टोकता है तो आपको मुड़ करके जवाब नहीं देना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। तो क्या करना है आपको, आज के दिन अमावस्या के दिन संध्या के समय आपको इस उपाय को करना है। किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं आप इस उपाय को, लेकिन आपको करना है संध्या के समय इस उपाय को करना है। सूरज ढलने के बाद नहीं करना है, उसके पहले पहले कर लेना है आपको। जब सूर्यास्त हो रहा हो उसके जस्ट पहले आप इस उपाय को कर लें। एक बड़ा मिट्टी का दिया ले, आप थोड़ा बड़ा साइज का मिट्टी का दिया ले, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। कोई गिनने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से लेके कुछ काली मिर्च के दाने उसमें डाल दें। अब उसमें तिल का तेल डाल दें, उसी में तिल का तेल डाल दें और जो सिंदूर आता है वो डाल दें। अब इसको पूरी तरीके से आप मिला दें। अब इस पे आप रुई की एक खड़ी बात का दिया बनाएं। ये सारी प्रोसीजर आप घर से भी करके जा सकते हैं, या सीधे ही आप जाएं पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ जा कर के भी आप इसको कर सकते हैं। अपने साथ में ये सारी सामग्री आप लेकर के जाएं और वहाँ जा कर के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यह जो दिया है, इस दिए को आपको संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। अमावस्या के दिन करना है, संध्या के समय पे करना है। थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, तिल का तेल लेना है, सिंदूर लेना है और जो काली मिर्च थी उसको पूरी तरीके से आपको सिंदूर से लपेट देना है। और इसके ऊपर ये जो दिए में आपने जो काली मिर्च, सिंदूर और तेल का जो वो बनाया है, इसके ऊपर आपको दिया रखना है। दिया इन द सेंस बाती, आपको बाती रखनी है इसके ऊपर। यह एक संपूर्ण दिया तैयार होगा, पूरा तंत्र तैयार होगा, टोटका तैयार होगा। इसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करते हुए इसको आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है और आपकी जो कोई भी इच्छा है वो दो हाथ जोड़ करके आपको मांगनी है, प्रार्थना करनी है कि मेरी ये इच्छा है, मुझे ये तकलीफ़ है, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, इतने समय में पैसों की आवश्यकता है, तो मुझ पर ये कृपा करें कि मेरा ये काम बन जाए। आपको यह करना है। आप देखेंगे कि इतना चमत्कारी टोटका है कि यह करने के बाद आपको जो कोई भी पैसों की ज़रूरत होगी वो पूरी हो जाएगी। दिए को, संपूर्ण तंत्र को वहीं छोड़ कर के आपको आ जाना है, किसी से कुछ कहना नहीं है, घर में आकर हाथ पैर स्वच्छता से धो लें। यहीं पर यह टोटका समाप्त हो जाएगा और आपका काम बहुत जल्द बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।